नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किसानों को नरेंद्र मोदी देंगे बड़ा तोहफा, दोगुनी होगी किसान सम्मान निधि की राशि, जल्द हो सकता है ऐलान। कल से खुलेंगे बिहार के सभी स्कूल, शिक्षा मंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग, डीएम और डीईओ को कई बड़े निर्देश। युवाओं के लिए नौकरी का जबरदस्त ऑफर, 137 पदों पर बम्पर बहाली, 27 अगस्त तक करें अप्लाई। बिहार के 23 पुलिस अफसर होंगे सम्मानित, राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस वीरता पदक देने की घोषणा। 75वां स्वतंत्रता दिवस आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फहराएंगे तिरंगा, तैयारियां पूरी। सर्वर बिजली कंपनी का बैठा लेकिन मार उपभोक्ताओं पर, ऑनलाइन बिल की छूट तो गई ही, अब जुर्माना भी लगेगा। बिहार के मंत्रियों को इस बार नहीं मिलेगा झंडोत्तोलन का मौका, सरकार ने कमिश्नर और डीएम को दिया तिरंगा फहराने का आदेश। पटना के नगर निगम कर्मियों ने स्थगित की हड़ताल, एक महीने में मांगे पूरी होने का मिला है भरोसा। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब तो हुआ खुलासा, सिर्फ 2 सरकारी अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बिहार में 15 अगस्त तक अलर्ट जारी, भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को मिलने वाला पैसा को दोगुना करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जल्द ही इसका ऐलान कर सकते हैं। दरअसल बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के हवाले से ये खबर आ रही है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को आमदनी को दोगुनी करना चाहती है। इसके तहत किसान सम्मान योजना की राशि को 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपये सालाना किया जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद कल यानी कि 16 अगस्त से बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। 133 दिन बाद खुल रहे स्कूलों में सही ढंग से पढ़ाई और क्लास पूरे समय तक चल सके, इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी जिलों के डीएम और शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। कल से प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालय भी खुल रहे हैं। शनिवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस बैठक में बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। कोरोना के कारण लगातार विद्यालयों के बंद रहने और पढ़ाई में हुए नुकसान को देखते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अब विद्यालय पूरे समय तक चले और शिक्षक अपना 100% अध्यापन कार्य में लगाए। शिक्षा मंत्री ने यह आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करें और वहां के वर्ग संचालन के साथ कोरोना दिशा निर्देश और साफ सफाई पर भी नजर रखें। अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों को सामान्य कार्यों जैसे वेतन भुगतान, विसंगति, बकाया राशि, प्रोन्नति आदि के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब करने के लिए जबरदस्त वैकेंसी आई है। यहां के अलग अलग इंजीनियरिंग ट्रेड में फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर के पोस्ट पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। उम्मीदवार अंतिम तारीख यानी कि 27 अगस्त 2021 तक ऑफिशियल वेबसाइट www.powergridindia.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 48 पद, फील्ड इंजीनियर सिविल के 17 पद, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के 50 पद, फील्ड सुपरवाइजर सिविल के 22 पदों पर बहाली होनी है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर भारत सरकार ने 1380 पुलिसकर्मियों को बहादुरी के लिए पदक प्रदान करने का फैसला लिया है। इनमें से बिहार के 23 पुलिस पदाधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। 2 अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 21 अफसरों को पुलिस वीरता पदक देने की घोषणा की गई है। कोरोना महामारी की वजह से स्वतंत्रता दिवस 2019, गणतंत्र दिवस 2020 और स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर राष्ट्रपति और पुलिस पदक के लिए जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम की घोषणा की गई थी, उन सभी को इस बार सम्मानित किया जा रहा है। 662 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आजादी का जश्न रविवार को धूमधाम के साथ यानी कि आज मनाया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया था। गांधी मैदान के अंदर और आसपास की ऊंची इमारतों की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। आज देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से हमें आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। बिल पेमेंट के लिए बिजली कंपनी जिस सर्वर का इस्तेमाल करती है उसे बंद हुए तकरीबन 15 दिन पूरे होने वाले हैं। बिजली कंपनी का RAPDRP सर्वर बीते 13 दिनों से ठप पड़ा है। लाख मशक्कत के बावजूद अब तक बिजली कंपनी इसे ठीक नहीं करा पाई है। उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं। सर्वर बिजली कंपनी का ठप है, लेकिन इसकी मांग उपभोक्ताओं पर दोहरी पड़ी है। दरअसल बिजली बिल का ऑनलाइन पेमेंट करने पर उपभोक्ताओं को कंपनी की तरफ से 1.5% की छूट दी जाती है। समय पर बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण उपभोक्ता इस छूट का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर मिलने वाले छूट से उपभोक्ता वंचित है, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर लेट पेमेंट को लेकर 1.5% का जुर्माना भी लगेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य सरकार के मंत्री इस बार झंडोत्तोलन नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह जिलों में कमिश्नर और DM ही तिरंगा फहराएंगे। बिहार सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार को शाम कैबिनेट विभाग में जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक जिलों में अधिकारी और प्रमंडलों में प्रमंडलीय आयुक्त झंडा फहराएंगे। कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव की तरफ से सभी जिलाधिकारियों और प्रमंडलीय आयुक्तों को यह पत्र जारी किया गया है। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों ने अपने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मी 4 दिनों पर हड़ताल पर थे। इस दौरान राजधानी पटना में सफाई व्यवस्था को लेकर भीषण संकट पैदा हो गया था। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के अधिकारियों का कहना है कि अगर नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के साथ हमारी बातचीत हुई है, जिसमें 15 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई है। नगर आयुक्त ने भरोसा दिया है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की मांगों पर विचार किया जाएगा और 1 महीने में इस पर अमल होगा। हालांकि ज्यादातर मामले न्यायालय में लंबित है, लेकिन जो मामले उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के साथ बातचीत में पटना नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष PK आजाद भारतीय और महासचिव नंद किशोर दास शामिल हुए थे। इन दोनों नेताओं ने कहा है कि निगम प्रशासन ने वेतन वृद्धि के मुद्दे पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन अलावा यह भी भरोसा दिया गया कि EPF में गड़बड़ी को दूर कराया जाएगा। समय पर वेतन भुगतान और एजेंसी कर्मियों की समस्याओं को सुलझाने का भी आयुक्त ने भरोसा दिया। इन आश्वासनों के बाद हमने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। हड़ताल खत्म होने के साथ ही पटना नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठीक होने की उम्मीद जग गई है। पिछले 4 दिनों से शहर में जो कूड़ा कचरा फैला है उसे उठाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बिहार में सरकारी स्कूलों की बदहाली से नाराज हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि कितने सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं। हाईकोर्ट कड़ी फटकार के बाद सरकार ने सभी जिलों को पत्र लिखकर ये जानकारी देने को कहा कि किन अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक जिले की रिपोर्ट आई है, सिर्फ 2 सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। राज्य सरकार से पत्र मिलने के बाद सिवान जिला प्रशासन ने पहले अलग अलग विभागों में तैनात सरकारी अधिकारियों की सूची तैयार की और फिर ये पता लगाया कि उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। सिवान जिले में विभिन्न विभागों में 223 अफसर पोस्टेड हैं। इनमें से सिर्फ 2 अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी 221 बच्चे निजी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सिवान जिला प्रशासन से जुड़े सूत्र के मुताबिक राज्य सरकार को जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें खुलासा हुआ है कि जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक सिवान में पदस्थापित एक पशु चिकित्सक ने जानकारी दी है कि उनकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उनकी बेटी बगल के गोपालगंज जिले में रहती है और वहीं के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक बड़हरिया प्रखंड के जामो में पोस्टेड पशु चिकित्सक जयशंकर प्रसाद की बेटी प्रेयसी गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूटन टोला में वर्ग 3 में पढ़ती है।
बिहार में एक ओर जहां नदियां उफान पर है, नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि से लोग खासे परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश आफत बनी हुई है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से नेपाल की तराई से सटे क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।